नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आतप्रिया आर्य। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 32 के जेडीएस उम्मीदवार नवाज खान के प्रचार में जुटी महिलाएं भी, लोग दे रहे हैं नवाज खान को समर्थन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटने का कोई दबाव नहीं, बीएस येडियुरप्पा। एच डी कुमार स्वामी ने निगम चुनाव से पहले कलबुर्गी में जेडीएस उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। कर्नाटक में बलात्कार के मामले में वृद्धि देखी गई है, लेकिन अपराधियों की सजा घटी। कर्नाटक प्राथमिक स्कूलों को फिर से खोलने के लिए तैयार, विशेषज्ञ समिति आज बैठक करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू को अपने विधानसभा क्षेत्र में दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि गिरफ्तार व्यक्ति AIMIM से जुड़ा है, जिसके प्रमुख हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत को अफगानिस्तान के घटनाक्रम का फायदा उठाकर सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आम आदमी, जिसने खुद को भारत के सबसे शक्तिशाली राम शरण में पाया, मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। वे कहते हैं सभी को समान महत्व के साथ और बिना किसी शिकायत के सेवा करने के लिए सख्ती की जरूरत थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री अधिकारी की टिप्पणी पर। तार्किक प्रदर्शन, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा। अवनी लेखरा के लिए आनंद महिंद्रा का उपहार, टोक्यो पैरालंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने पर। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है और वह किसानों के मन की बात भी नहीं सुनती। वर्क इज वर्क, जर्मनी में डिलीवरी बॉय बनने पर अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री। काबुल में अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए बच्चों सहित 10, स्थानीय मीडिया। कोरोना वायरस, एक विश्वसनीय प्रक्षेपण 1 दिसंबर तक यूरोप में 236,000 मौतों की उम्मीद कर रहा है, WHO यूरोप के निदेशक हैंस क्लूज ने कहा। टोक्यो पैरालंपिक, सुमित एंटिल ने जीता भाला स्वर्ण, बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। IPL के दूसरे चरण में नहीं खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चयन संदिग्ध। जस्टिन लैंगर ने अंदरूनी कलह के बीच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से की बात, आश्वासन दिया हम बेहतर जगह पर हैं। KP एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।